नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया। वहीं लोक भवन में इसका उद्घाटन किया गया, जहां इस पोर्टल के शुभारंभ के बाद अब पेंशनरों को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आसानी से भुगतान मिल सकेगा। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आज ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे 11.5 लाख कार्मिक सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। भीषण गर्मी के चलते बिजली की बढ़ी मांग को देखते हुए योगी सरकार ने 1 मई से लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया है। सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश से 400 मेगावाट हाइड्रो पावर जुटाने के अलावा बैंकिंग की 325 मेगावाट विद्युत मध्य प्रदेश से और लगभग 283 मेगावाट बिजली राजस्थान से मिलने की संभावना है। इसी तरह बेंडिंग के जरिए भी 430 से 950 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में केंद्रीय सेक्टर से 33 मेगावाट, राज्य सेक्टर से 118 मेगावाट और अन्य स्रोतों से 331 मेगावाट की उपलब्धता 29 अप्रैल से बढ़ी है। भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में बिजली की मांग बेतहाशा बढ़ी है। देश में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,324 नए मामले सामने आए, जो कुल कल की मामले में 9.9% कम है। बीते दिन कोविड से 40 मरीजों की मौत हुई है। तो वहीं देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के 1,520 मामले सामने आए, इसके बाद हरियाणा में 490, केरल में 337, उत्तर प्रदेश में 275 मामले, जबकि महाराष्ट्र में 155 मामले सामने आए हैं। यूपी में दिन प्रतिदिन मौसम बदल रहा है। अप्रैल महीने के आखिरी दिन शनिवार को गर्मी अपने चरम पर रही। गर्मी के कहर से 23 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 47 डिग्री के पार दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। हमीरपुर के एक गांव में महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुछ दबंगों ने लाइसेंसी असरहे की दम कर उसके साथ छेड़छाड़ की। आपको बता दें कि पीड़िता का कहना है कि इस घटना को लगभग 5 दिन हो चुके हैं और शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पीड़ित महिला ने थाना पुलिस पर राजीनामा को लेकर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। खबर चंदौली के प्राथमिक विद्यालय तकिया का है, जहां प्राइम टीवी के संवाददाता विद्यालय पहुंचे तो सहायक अध्यापक और एक शिक्षक मित्र अनुपस्थित मिले। वहीं स्कूल के ही एक कमरे में आंगनवाड़ी केंद्र भी है, जिसमें ताला लगा मिला था। गांव वालों ने यह भी बताया कि उन्होंने बीआरसी कार्यालय जाकर लापरवाही और लापरवाह अध्यापकों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। खबर रायबरेली के साढ़बरा गांव से है, जहां एक छात्र ने ऑडियो वायरल करने की धमकी से परेशान होकर फांसी लगा ली। आपको बता दें कि गांव के एक युवक के साथ उसकी पहले बात हुआ करती थी, जिसके बाद युवक ऑडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने 1090 पर शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन अब परेशान होकर उसने घर में ही फांसी लगा ली, जिसके बाद छात्रा की मौके पर मौत हो गई। थाना भदोकर के अंतर्गत ग्राम साढ़बरा में एक युवती द्वारा आत्महत्या करने का प्रकरण आया है। इस घटना की प्रारंभिक जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, उसके अनुसार लड़की का गांव के ही अविनाश उर्फ मिंटू से पूर्व से परिचय था। आरोपी अविनाश उर्फ मिंटू द्वारा लड़की से पूर्व में की गई वार्तालाप का स्क्रीन शॉट अपने फेसबुक स्टेटस में वायरल कर दिया गया। इससे इसकी जानकारी उसके परिजनों और गाँव के अन्य लोगों को हो गई। इससे आहत होकर योगी सरकार लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी कर रही है, लेकिन कानपुर के मेहरबान सिंह पुरवा में माफियाओं की फर्जी प्लॉटिंग जारी है। वहीं सिंचाई विभाग की जमीन भी भू माफिया ने करोड़ों का चूना लगाया है। बता दें कि मामले में लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने जिला प्रशासन को जांच के निर्देश दिए हैं।
आदेश किया था कि जो जो तालाब है और जो कुएं हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, और जो भी कब्जे अवैध कब्जे हैं, जो सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन, इसमें लगातार लोग यहाँ पे जो है कानपुर में जो है कब्जा किए हुए हैं। कल ही हाल ही में जितेंद्र प्रसाद जो है लोक निर्माण विभाग के मंत्री जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने इस जो नदी के किनारे का निरीक्षण भी किया था और उन्होंने आदेश भी किया था कि जो देखा जाए तो ये जो पांडव नदी के किनारे जो बना हुआ है इससे 30 मीटर की दूरी है, उसमें मुआवजा लेने के बावजूद भी इन लोगों ने फिर दोबारा पुनः इस मकानों इन प्लाटों को फिर कब्जा कर लिया है। देखना यह है कि जिला प्रशासन इसका दुष्टीकरण करता है कि नहीं करता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र रावत के साथ उपेंद्र साना, कानपुर। अलीगढ़ के रामनगर गांव के तालाब में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला है। आपको बता दें कि परिजनों के अनुसार युवक 3 दिन से लापता था, जिसके बाद अब युवक का शव तालाब के पास तैरता हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर युवक की मौत से परिवार में कोहराम है। गाजियाबाद में कोरोना से हालत बिगड़ती जा रही है। जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केस 338 के पार हो गए हैं। वहीं राहत की बात यह है कि बीते दिन 51 मरीज ठीक भी हुए हैं। बता दें कि सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में बच्चे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार के 3 मंत्री बस्ती मंडल के दौरे पर पहुंचे। इनमें कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी समेत सांसद और राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी भी शामिल थे। ये तमाम नेता पूरे पुलिस और प्रशासनिक अमले को लेकर धरातल पर निरीक्षण करने के लिए उतरे। मंत्रियों ने सबसे पहले बांसी कस्बे के मालिन बस्ती के राप्ती नगर वार्ड का निरीक्षण किया, साथ ही एक गांव में चौपाल भी लगाई, विकास कार्यों की समीक्षा की, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का भी हाल जाना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की 2014 से जो योजनाएं प्रारंभ की थी, वास्तव में वो धरातल पर पहुंच पा रही हैं, जरूरतमंद को मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही। प्रदेश सरकार विकास की जो योजनाएं चला रही हैं, वास्तव में वो जरूरतमंदों को मिल पा रही और उनकी गुणता क्या है, ये सब स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मुझे बस्ती मंडल में मुझे माननीय परिवहन राज्य मंत्री, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मैडम रजनी तिवारी जी को, तीनों लोगों को भेजा गया है। और हम लोग कल पूरे दिन बस्ती में, आज दोपहर तक बस्ती में एक एक प्रमुख स्थलों को जा करके स्वयं देखे हैं, और आज और कल दोपहर तक हम लोग सिद्धार्थनगर जिले के अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। कल हम लोग संत कबीर नगर रहेंगे, ये पूरी प्रक्रिया है, और अपनी रिपोर्ट जा करके मुख्यमंत्री जी को देंगे। जो अच्छे कार्य होंगे उनकी प्रशंसा होगी और जो कहीं कमी पाई जाएगी उसको दुरुस्त करने का, और उनमें दो कन्नौज में रिश्वतखोर एंटी करप्शन की विजिलेंस टीम ने एक लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि लेखपाल विवेक पाल तिरवा तहसील में तैनात था और एक युवक से जमीन की पैमाइश के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। युवक की शिकायत के बाद विजिलेंस टीम ने गवाहों की मौजूदगी में लेखपाल को रिश्वत के 5,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ने लेखपाल के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर चंदौली से है, जहां अघोषित बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं। बता दें जनपद के ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा बिजली कटौती को लेकर लगातार उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई ना होता देख आक्रोशित लोगों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक चंदौली दौरे पर थे। बिजली कटौती रोकने की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की और प्रपत्र भी सौंपा। इस दौरान बिजली कटौती रोकने की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों के समर्थन में जिले के अधिवक्ता भी सामने आ गए और धरने को समर्थन देते हुए धरना स्थल पर पहुंचे। साथ ही प्रदेश सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आक्रोशित लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल की जाए। बिजली का इस समय बहुत स्थिति खराब है हमारे ज़िले में, खास करके लगभग मान चलिए 24 घंटे में एक घंटे बिजली आ रही है, एकदम त्राहिमाम मचा है। किसानों के आप देखेंगे थ्रेसरिंग नहीं हो पा रही है, सब्जी का सीजन चल रहा है, पानी नहीं पहुंच रहे हैं। उसके बाद घर में आप देखे होंगे पानी की इतने किल्लतें हैं
न पंप चल रहे हैं, मतलब कोई बहुत स्थिति खराब है। किसान सब्जी लगाए हैं और सब्जियों में बताइए, जब किसान के पास ट्यूबवेल उनके चलेंगे नहीं तो किसानों की जीवा जो भोजन की व्यवस्था है कहाँ से चलेगी। बिजली की समस्या हमारे ज़िले में बहुत तगड़ी चल रही है इस समय। इतनी समस्या है कि 24 घंटे में 2-3 घंटे बिजली मिल रही है, वो भी केवल कभी 10 मिनट के लिए, कभी 15 मिनट के लिए आ रही है। अभी हमारे यहाँ ये बच्चों की परीक्षाएँ चल रही हैं, बोर्ड की परीक्षाएँ चल रही हैं, उनके लिए दिक्कत हो रही है। खेती में कुछ गर्मी की खेती हम लोग करते हैं, किसानों का धान का कटोरा माना जाता है चंदौली को। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।